वेल हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब लोग। मैं हूँ शिवम और आप देख रहे हैं मेरा टेक चैनल दी यूनिक टेक। तो गाइस, आज की मेरी नई वीडियो में आपका स्वागत है गाइस। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको वीवो के V17 और सैमसंग गैलेक्सी A51 के बीच कंपैरिजन करवाने वाला हूँ गाइस। तो जैसे कि आप देख सकते हो, आपको दोनों फोन में क्वाड कैमरा का सेटअप और आपको दोनों ही फोनों में पंच आउट डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। तो गाइस, आज की वीडियो में जानेंगे कि इन दोनों फोनों में क्या क्या डिफरेंस है। तो वीडियो को बिना स्किप करें पूरा एंड तक देखते रहना गाइस। तो चलिए गाइस, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं गाइस। तो मैं सबसे पहले बात करना चाहूँगा दोनों ही फ़ोनों के डिस्प्ले के बारे में। तो आपको वीवो के V17 में 6.4 इंच का फुल एचडी प्लस वाला सुपर एमोलेड पैनल वाला डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। और मैं वही बात करूँ सैमसंग के A51 के, तो गाइस आपको उसमें 6.5 इंच का फुल एचडी प्लस वाला सुपर एमोलेड पैनल वाला डिस्प्ले देखने को मिल जाता है गाइस। तो इसी के अलावा गाइस, आपको वैसे तो काफ़ी बड़ा डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। बकाया अगर मैं बात करूँ दोनों के स्क्रीन टू बॉडी रेशियो की, तो गाइस आपको वीवो के V17 में 84% की स्क्रीन टू बॉडी रेशियो देखने को मिल जाती है और सैमसंग के A51 में 87% की स्क्रीन टू बॉडी रेशियो देखने को मिल जाती है। तो गाइस आपको काफ़ी बड़ी डिस्प्ले देखने को मिल जाती है गाइस। और साथ ही गाइस आप देख सकते हो, आपको दोनों ही फ़ोनों में जो है वो पंच आउट डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। बस ये अंतर है कि उसमें कोने में है वीवो में, और सैमसंग में गाइस आपको बीच में देखने को मिल जाता है। तो गाइस इसका ये फ़ायदा हो जाता है कि जो डिस्प्ले में वेदर से वो भी देख सकते हो बिल्कुल ना के बराबर है। साथ ही आपको काफ़ी बड़ा डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, तो डिस्प्ले एक ही जैसे लग। और अगर मैं इसके बाद बात करूँ दोनों स्मार्टफोनों के डिज़ाइन और लुक के बारे में गाइस, तो गाइस आपको दोनों स्मार्टफोनों में पीछे की तरफ गाइस पॉली कार्बोनेट बॉडी देखने को मिल जाती है गाइस। तो गाइस अगर आप इन दोनों फ़ोनों को बाय करने का सोच रहे हो गाइस, तो मैं आपको फिर तो यही रिकमेंड करूँगा कि आपको दोनों ही फ़ोनों को केस में रखना है गाइस। क्योंकि अगर ये मान लो आपके हाथ से बाय डिफॉल्ट गिर जाता है, तो हाँ टूटेगा नहीं, लेकिन स्क्रैच आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है गाइस। तो गाइस आपको इसको केस नहीं रखना है गाइस। इसके अलावा गाइस आपको दोनों ही फ़ोनों के साइड में वॉल्यूम रॉकर्स के नीचे गाइस आपको मतलब वो जो जिसे फ्रेम कहते हैं वो आपको प्लास्टिक की देखने को मिल जाती है। तो ओवरऑल गाइस इससे पता चलता है कि इस फोन दोनों ही फ़ोनों की जो बिल्ड क्वालिटी है वो प्लास्टिक की देखने को मिल जाती है। बकाया गाइस आपको पीछे की तरफ देख सकते हो, आपको सैमसंग में सैमसंग की ब्रांडिंग और वीवो में वीवो की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है गाइस। और साथ ही गाइस आपको आप देख सकते हो गाइस, आपको ऊपर की तरफ गाइस कितना बढ़िया सा मतलब दोनों ही फ़ोनों में टेक्सचर देखने को मिल जाता है गाइस। साथ ही गाइस इन पे मतलब लाइट पड़ती है गाइस, ये देखने में और बढ़िया लगते हैं गाइस। तो डिज़ाइन और लुक के मामले में दोनों ही फ़ोन लगभग बराबर हैं गाइस। और अगर गाइस इसके अलावा मैं बात करूँ दोनों ही स्मार्टफोनों की बैटरी की तरफ गाइस, तो गाइस आपको दोनों ही फ़ोनों की बैटरी में गाइस ज़रा भी अंतर देखने को नहीं मिलता है गाइस। जी हाँ गाइस, आपको दोनों ही फ़ोनों में जो बैटरी की कैपेसिटी गाइस वो 4500 mAh की देखने को मिल जाती है। काफ़ी अच्छी बैटरी, हाँ एक दिन का बैकअप बहुत आराम से दे देगी आपको। अगर आप इसको चार्ज पे भी नहीं लगाते और ऐसे रखे हैं तो दो तीन दिन बहुत आराम से चल जाएगा। बकाया गाइस आपको इसको एक दिन में चार्ज तो करना ही पड़ेगा दोनों ही फ़ोनों को गाइस, अगर आप हैवी यूजिंग करते हो तो भी गाइस। और अगर मैं बात करूँ गाइस इन दोनों ही फ़ोनों के चार्जर की तरफ गाइस, तो गाइस आपको चार्जिंग में भी थोड़ा सा अंतर देखने को मिल जाता है। आपको वीवो में 18 का फास्ट चार्जर और जो मैं बात करूँ सैमसंग में, तो गाइस आपको सैमसंग में गाइस 15W का फास्ट चार्जर देखने को मिल जाता है। तो गाइस आपको काफ़ी बड़ी बैटरी भी देखने को मिल जाती है, साथ ही गाइस आपको फास्ट चार्जर भी देखने को मिल जाता है। और मैं सबसे अच्छी बात गाइस बता दूँ, ये दोनों ही फास्ट चार्जर गाइस आपको इन द बॉक्स देखने को मिलते हैं, तो काफ़ी अच्छी बात हो जाती है गाइस। तो गाइस इसके अलावा अगर मैं बात करूँ दोनों ही स्मार्टफोनों की हार्डवेयर की तरफ गाइस, तो गाइस आपको दोनों ही फ़ोनों के मतलब हार्डवेयर में गाइस ज़रा मतलब थोड़ा मोड़ा अंतर देखने को मिलता है गाइस, मैं ज़रा भी क्या कहूँ। तो आपको वीवो में गाइस क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 675 वाला चिपसेट देखने को मिल जाता है, जो कि एक 11 नैनोमीटर का ऑक्टा कोर वाला प्रोसेसर है गाइस। और वहीं बात करूँ गाइस सैमसंग की, तो गाइस आपको सैमसंग में वही अपना सैमसंग का एक्जिनोस वाला 9611 वाला चिपसेट देखने को मिल जाता है, जो कि एक 11 नैनोमीटर वाला ऑक्टा कोर वाला प्रोसेसर है। तो गाइस आपको इन दोनों ही फ़ोन में जो परफॉर्मेंस के मामले में आपको ज़रा भी दिक्कत नहीं आने वाली है गाइस। साथ ही गाइस आपको आप इसमें हैवी गेमिंग भी कर सकते हो, आप इसमें मल्टीटास्किंग भी कर सकते हो। और मैं बात करूँ जीपीयू की, तो गाइस आपको वीवो में एड्रिनो का 612 और सैमसंग में माली G72 देखने को मिल जाता है। तो इसके अलावा गाइस अगर मैं बात करूँ दोनों ही फ़ोनों के सॉफ्टवेयर की तरफ गाइस, तो गाइस अगर मैं बात करूँ एंड्रॉयड वर्जन की, तो गाइस आपको वीवो में एंड्रॉयड 9 देखने को मिल जाता है और सैमसंग में एंड्रॉयड 10 देखने को मिल जाता है। तो एंड्रॉयड वर्जन में गाइस सैमसंग थोड़ा सा आगे निकल जाता है। बकाया मैं बात करूँ दोनों ही फ़ोनों के UI की तरफ गाइस, तो गाइस आपको वीवो में वही फ्रंट टच OS और सैमसंग में अपना 1 UI 2 देखने को मिल जाता है गाइस। तो ओवरऑल गाइस सॉफ्टवेयर के मामले में सैमसंग थोड़ा सा आगे ज़रूर निकल जाता है, बकाया गाइस दोनों ही में जो ठीक ठाक है जो OS है गाइस।
तो चलिए गाइस इसके बाद मैं बात करता हूँ दोनों फोनों के कैमरे की तरफ। गाइस तो जैसे गाइस आप लोग देख सकते हो आपको दोनों फोनों में क्वाड कैमरा का सेटअप देखने को मिल जाता है जो कि मैं आपको एक एक करके बताने वाला हूँ। तो आपको वीवो में जो प्राइमरी कैमरा है वो आपको 48 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाता है सबसे ऊपर, आप देख ही सकते हो गाइस। उसके नीचे गाइस आपको इसमें 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल लेंस, उसी के नीचे गाइस आपको 2 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस और सबसे नीचे गाइस आपको 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर देखने को मिल जाता है। और मैं वही बात करूँ सैमसंग की तो वैसे आपको सैमसंग में भी प्राइमरी कैमरा 48 मेगापिक्सल, उसी के नीचे आपको 12 मेगापिक्सल का वाइड एंगल लेंस, सबसे नीचे आपको उसी के नीचे आपको 5 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस, सबसे नीचे गाइस आपको 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर देखने को मिल जाता है गाइस। इसके अलावा गाइस आप दोनों ही फोनों में कुछ एक्स्ट्रा फीचर यूज़ कर सकते हैं जैसे कि 4K अल्ट्रा HD वाली रिकॉर्डिंग, HDR और पैनोरामा का भी फीचर ले सकते हैं गाइस। तो चलिए गाइस इसके बाद मैं बात करता हूँ दोनों ही फोनों के सेल्फी कैमरे की तरफ गाइस। तो गाइस आपको दोनों ही फोनों के सेल्फी कैमरे में ज़रा भी अंदर देखने को नहीं मिलता है, जो सेल्फी कैमरे का दोनों के वो गाइस आपको 32 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाता है। तो काफ़ी अच्छी सेल्फी क्लिक कर लेते हैं दोनों ही, नाइट मोड HDR सब कुछ देखने को मिलता है गाइस, काफ़ी अच्छी सेल्फी देखने को मिल जाती है गाइस। और गाइस मैं आपको बता दूँ इन जैसे आपको मतलब इसके रियर कैमरे में फीचर देखने को मिले थे वैसे इसमें भी देखने को मिले हैं, फुल HD वाली रिकॉर्डिंग, HDR का भी फीचर देखने को मिल सकता है, साथ ही साथ आप स्लो मोशन वाली वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं इस फोन से। तो चलिए गाइस इसके बाद मैं बात करता हूँ इन दोनों स्मार्टफोनों के सिम कार्ड और कनेक्टिविटी की गाइस। तो गाइस आपको सैमसंग में डुअल स्लॉट देखने को मिल जाता है, डुअल स्लॉट से मेरा मतलब है कि आप इसमें 2 सिम कार्ड लगा सकते हैं, बकाए इसमें कोई भी मेमोरी कार्ड लगा के स्टोरेज को नहीं बढ़ा सकते गाइस। और मैं वही बात करूँ वीवो की, तो गाइस आपको वीवो में गाइस हाइब्रिड सिम स्लॉट देखने को मिल जाता है, हाइब्रिड सिम स्लॉट से मेरा मतलब है कि आप इसमें 2 सिम कार्ड लगा सकते हैं, बकाए आप इसमें 1 मेमोरी कार्ड और 1 सिम कार्ड लगा सकते हैं गाइस। इसी के अलावा गाइस आपको दोनों ही फोनों में नीचे की तरफ गाइस चार्जिंग के लिए जो चार्जिंग के लिए होता है वो आपको टाइप सी रिवर्सिबल पोर्ट देखने को मिल जाता है। तो सिम कार्ड और कनेक्टिविटी में गाइस दोनों ही लगभग बराबर है गाइस। तो चलिए गाइस इसके बाद मैं बात करता हूँ इन दोनों स्मार्टफोनों की सिक्योरिटी की तरफ गाइस। तो आपको दोनों फोनों की सिक्योरिटी में गाइस आपको सबसे पहले गाइस आपको अंडर डिस्प्ले वाला फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाता है गाइस, उसके अलावा गाइस आपको फेस लॉक का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है दोनों ही फोनों में। तो सिक्योरिटी के मामले में गाइस दोनों ही फोन काफ़ी आगे चले जाते हैं गाइस। तो चलिए गाइस इसके बाद मैं बात करता हूँ इन दोनों स्मार्टफोनों के थिकनेस और वेट की तरफ। तो गाइस आपको सैमसंग में जो अगर मैं बात करूँ थिकनेस की तो आपको 7.9 mm की देखने को मिल जाती है, और रही बात वेट की तो गाइस आपको 179 ग्राम की वेट देखने को मिल जाती है। और वीवो की बात करूँ वो सैमसंग की बात करूँ गाइस तो आपको 8.1 mm की थिकनेस देखने को मिल जाती है और 180 ग्राम का वेट देखने को मिल जाता है। तो वेट और थिकनेस के मामले में दोनों फ़ोन बराबर हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ दोनों फ़ोनों के स्टोरेज की तरफ गाइस, तो गाइस आपको मतलब 6 GB से लेके 8 GB तक की रैम देखने को मिल जाती है गाइस। और अगर मैं बात करूँ रोम की तो मतलब इंटरनल मेमोरी, तो गाइस आपको वो 128 GB से लेके 256 GB तक की देखने को मिल जाती है गाइस। और रही बात सैमसंग की गाइस, तो आपको सैमसंग में भी गाइस 6 से लेके 8 तक रोम देखने को मतलब रैम देखने को मिल जाता है। और रही बात इंटरनल की, तो गाइस आपको उसमें भी वही देखने को मिलता है 128 GB वाला और 256 GB। तो स्टोरेज के मामले में गाइस आपको ज़रा भी कमी नहीं होने वाली, आपको भर भर के स्टोरेज देखने को मिल जाते हैं। तो इसी के अलावा गाइस अगर मैं बात करूँ दोनों फ़ोनों के कलर वेरिएंट्स की तरफ गाइस, तो जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो आपको वीवो में ओनली 2 कलर वेरिएंट देखने को मिलता है, सैमसंग में गाइस आपको 4 कलर वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं। तो कलर वगैरह के मामले में गाइस आपको दोनों फ़ोनों में काफ़ी अच्छे कलर देखने को मिल जाते हैं गाइस। तो चलिए गाइस इसके बाद मैं बात करता हूँ दोनों फ़ोनों की प्राइसिंग को लेकर गाइस। तो गाइस प्राइसिंग में भी हमें ओनली 2000 रुपीज़ का अंतर देखने को मिला है गाइस। जी हाँ गाइस, क्योंकि गाइस जो वीवो का V17 है गाइस वो गाइस आपको ओनली मतलब जो आप उसका 8 GB वाला और 128 GB वाला वेरिएंट है गाइस वो आपको 22000 के आसपास देखने को मिल जाता है गाइस। और रही बात सैमसंग की, तो गाइस आपको सैमसंग में भी जो मतलब 8 GB और 128 GB वाला वेरिएंट है गाइस वो आपको 23990 का देखने को मिल जाता है गाइस। तो ओवरऑल गाइस दोनों ही फ़ोन ठीक ठाक है, हाँ सैमसंग अभी नया है इसलिए जो उसकी प्राइसिंग वो थोड़ी सी ज़्यादा है वीवो को लेकर गाइस, लेकिन गाइस आगे जाके हो सकता है आपको कि वीवो से भी कम चली जाए सैमसंग के A51 की प्राइस, क्योंकि जब वीवो का V17 लॉन्च हुआ है तो उसकी भी जो प्राइस थी वो 24000 के आसपास थी और अब देख लो आपके सामने 22000 हो गई है गाइस। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो आगे जाके ये A51 थोड़ा सा इसके प्राइस गिर सकते हैं गाइस। तो गाइस आप मुझे बताना आपको कौन सा फ़ोन पसंद आया, साथ ही अगर आपको मेरी वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आए गाइस तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर, साथ ही उसके बगल वाले लाल वाले सब्सक्राइब के बटन को भी दबा देना, और सबसे जरूरी बात उस घंटे को जरूर दबाना, घंटे को दबा दोगे तो आपको नोटिफिकेशन मेरी मिलती रहेगी जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ गाइस तब। तो चलिए गाइस आज के लिए बस इतना है गाइस, आपको आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद गाइस। तो चलिए गाइस फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो पे, गुड बाय।